भारत का निरंतर विकास होता रहे और उसके निर्माण का सपना पूरा हो। रामनाथ कोविंद इन तमाम बातों को रखते नजर आए, साथ ही साथ इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए भी उन्होंने तमाम चीजें रखी। उन्होंने कहा कि पद की गरिमा को बनाए रखने की वो पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर दिल्ली से है जहां केंद्र ने 30 स्मार्ट सिटी की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि यूपी के 3 शहर 3 स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल हुए हैं। झांसी, अलीगढ़ और इलाहाबाद सूची में शामिल हो गए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से देहरादून स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि 30 शहरों को इस सूची में लिया गया है, जिनमें झांसी, अलीगढ़ और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। जबकि अगर बात देहरादून की जाए तो देहरादून को भी इस सूची में जगह मिली है। उत्तराखंड से देहरादून को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया है। तो यूपी के 3 शहर हैं जबकि उत्तराखंड का 1 शहर। केंद्र ने 30 स्मार्ट सिटी की घोषणा की है और इसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड से देहरादून जबकि यूपी से 3 शहरों का जिक्र किया गया है। 3 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो झांसी, अलीगढ़ और इलाहाबाद इस सूची में शामिल है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से देहरादून को इस सूची में शामिल किया गया है। केंद्र ने 30 स्मार्ट सिटी की यह सूची जारी की है, जिसमें यूपी से 3 और उत्तराखंड से 1 शहर को सूची में शामिल किया गया है। और इस बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि संगम नदी, झांसी की रानी की शान और शिल्प नगरी को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी का आभार।